जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान जमील, अली के बाबा। और अली ने आईएलट्स एकेडमिक में जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर के प्लेटफॉर्म पर 7 बैंड स्कोर्स हासिल किए हैं और लॉट ऑफ क्लैपिंग। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर एप्रिसिएशन। और बहुत खुशी हुई है अली के बाबा मौजूद हैं। सर, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? जी, मैं और मेरा पूरा ख़ानदान बहुत अली की इस परफॉर्मेंस पे बहुत खुश हैं। ख़ास तौर पर जीनियस इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं साकिब साहब, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेरे बेटे की इतनी अच्छी तरबियत की कि आज उसने माशाल्लाह 7 पॉइंट्स हासिल किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी एक्सलेंट। असल में बात ये होती है कि जो बच्चों की तरबियत का आगाज़ घर से होता है और घर से जो लेकर बच्चे चलते हैं, जो असासा, जो बैगेज उनके पास होता है, वो असल में पेरेंट्स के एम्बेसडर्स होते हैं। इसने आकर यहाँ इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा पढ़ा और इतना रिस्पेक्टफुल है माशाल्लाह कि हम बहुत तारीफ़ करते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे ऐसे बच्चों की। और लाजवाब था इसका मेहनत करने का अंदाज़ भी। दिन और रात इसने एक किया और अपनी भरपूर मेहनत की, अल्लाह ने इसको बहुत बड़े अजर से नवाजा है और 7 बैंड्स के हासिल हुए हैं। आगे फर्दर इंशाल्लाह यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से करेंगे और इनको उससे भी कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बॉयज। जी, जब आपको पता चला आईएलट्स के रिजल्ट के हवाले से, बहुत खुश हुए डेफिनेटली आप। जी जी। तो जब आप, कैसे पता चला, आप किस तरह लेकर आए इस इंस्टीट्यूट में, जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर में आप जब एडमिशन करवाने के लिए आए, तो क्या फीलिंग्स उस वक्त आपकी? अच्छा, बिल्कुल, ये मोहम्मद अली ने ना ये यूट्यूब से सर्च करके जीनियस इंस्टीट्यूट का पता लगाया था और मुझे इसने कहा पापा मैंने इसी इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करनी है। तो आपको उसके डिसीजन पर अब फ़ख्र महसूस होता है कि उसका अच्छा डिसीजन था? बिल्कुल, मुझे ना बहुत फ़ख्र है कि इसने एक अच्छे पॉइंट का इंतखाब किया। और आप ये बताइए, जब आपकी मुलाकात हुई ऑफिस में वो सर साकिब से, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनको जानने की वो कौन है, तो वो जब आपकी मुलाकात हुई तो उस वक्त आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, फीलिंग्स क्या थी कि ये इंतखाब अच्छा हुआ है? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो डेफिनेटली स्टैम्प हुआ है ना जी आपका, कि आपने डेफिनेटली एक अच्छी जगह का इंतखाब किया, उस वक्त क्या तवक्कुआत थी आपकी? जी बिल्कुल, जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी, मोहम्मद अली ने आपके ऑफिस में करवाई थी, तो जब आपने इनका पहला इंटरव्यू बच्चे का किया तो मुझे उसी वक्त पता था कि एक काबिल आदमी के मैं सपोर्ट अपने बच्चे को कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत फजल है, मेहरबानी है, रहमती है कि बच्चे हमारे पास आते हैं, जो उनके वालदेन की और उनकी तवक्कुआत होती हैं उन पर हम पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। हमारे इख्तियार में ही नहीं होता, हमारे इख्तियार में डेडिकेशन है और बल्कि सिंसेरिटी है। हम आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। जीनियस के बच्चों की कामयाबी असल में जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर की कामयाबी है। और ये बच्चे जब कामयाब होते हैं, जितना आप खुश होते हैं उससे डबल ट्रिपल हम खुश होते हैं। और चूँकि ये हमारे बच्चे हैं डेफिनेटली, और आप पता ही पेरेंट्स का क्या हाल होता है अपने बच्चों को खुश देखकर। आप बच्चे असल में वालदेन का कीमती तरीन असासा और सरमाया होते हैं, वही उनकी प्रॉपर्टी है, वही उनकी जायदादें हैं। अगर बच्चा अच्छा है तो यकीनन सब कुछ अल्लाह पाक उनको तो फैल दे देगा आपको। तो ये इसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, हमें बहुत फख्र है। और फिर जब इसने बताया, आप बड़ी खुशी हुई आपको, तो फिर आपने प्लान किया कि अब आपके सर के पास जाके शुक्रिया अदा करना है? बिल्कुल, हमने प्लान किया कि लाहौर जाएंगे, साकिब साहब का वहां जाकर शुक्रिया अदा करेंगे। तो चिश्तियां से, डेफिनेटली चिश्तियां के पास भी कोई ना कोई इदारा तो होगा आईएलट्स करवाने वाला? नहीं, उधर कोई इतने अच्छे अदारे नहीं, छोटा सा एक अदारा है बहावल नगर में, लेकिन यहाँ से क्योंकि हमारा इलाका जो है बहुत ज्यादा बाहर है, सराउंडिंग पड़ जाती है, तकरीबन लाहौर से 300 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर के नजदीक है, पसमानदा इलाका है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पर लाहौर में इसे आपके पास जो है दाखिला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं, हम काबिल फख्र है। आपका बेटा भी, इसकी तरबियत बहुत शानदार की है। इसका दोस्त समीर जो है वो बहुत मेहनती और बड़ा अच्छा काबिल बच्चा है, उसके बड़े अच्छे बैंड स्कोर्स आए हैं। इसी तरह से हमारे पास सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह बख्शा है, तशरीफ़ लाए हैं, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और इस तरह से बहुत बहुत बच्चे जो हमारे पास यहाँ स्टे करते हैं, हमने बॉयज़ के लिए एक हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी है और वो बच्चे यहाँ जब आते हैं,
कंफर्टेबल रहते हैं एक ही माहौल में, मॉर्निंग इवनिंग उनका सिर्फ यही होता है कि वो अच्छी तैयारी करें और अच्छा रिजल्ट लें। और माशाल्लाह इन्होंने एक बहुत अच्छे इदारे का इंतखाब किया, अल्लाह ने इनको कामयाब किया और उस कामयाबी का सेहरा माँ बाप के सर पर है और फिर असातिज़ा के सर पर है। तो अली आप कोई पैगाम देना चाहें बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को जो एक प्लान कर रहे हैं आइट्स और उसके बाद फिर स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से? जी सर, मैं पैगाम देना चाहता हूं कि जो भी आइट्स के हवाले से परेशान हैं, आइट्स करना चाहते हैं, तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो इस इदारे में आए, जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर में। इंशाल्लाह आपके पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा और इंशाल्लाह आप यहाँ से कामयाब होंगे। और जो हम पहले प्रॉमिस करते हैं, जो बात की थी आपसे एडमिशन के टाइम पर, वो सर खाली खुली बातें थी कि वो सर सच्ची बातें साबित हुई हैं सर? जी, जो आपने बातें की थी उससे बढ़कर हमने पाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत जी कुछ और मेरी दुआ है कि जितने भी बच्चे और यहाँ बच्चियाँ जीनियस इंस्टीट्यूट में अपनी अपने तालीम के लिए आए हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे मेरे बेटे की तरह, इससे भी वो बेहतर रिजल्ट दें। और हमारे पास आज जब आए हैं तो बहुत शानदार मिठाई और केक भी आया है जी, और केक के ऊपर कुछ लिखा भी है, कोई केक खोलिएगा जरा अली, और जीनियस थैंक्स लिखा हुआ है और हम कहेंगे कि कंग्रेचुलेशंस मिस्टर अली और उसके बाबा और उसके मामा जी, ये शुक्रिया अदा करने वाला केक है, केक खुद से मुंह से बोल रहा है कि मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। और यहाँ मिठाई है बहुत ही मज़े मज़े की, इस पर आइटम्स हैं और साफ ज़ाहिर है खाने को आपका दिल भी करेगा, लेकिन आप यहाँ से जो व्यूअर्स है वो खा नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि कहाँ से खरीद के आपने खानी है। ये मिठाई सिर्फ यहाँ बैठे वाले बच्चे खाएंगे इंशाल्लाह, और इन्हें खिलाते हैं, इनका मुंह मीठा करवाते हैं। और आपके लिए सर बहुत सारी दुआएं हैं ढेरों, आप बहसियत वालदैन असीम वालदैन हैं, ये बेटा आपका बहुत अच्छा बच्चा है, इसने हमारे पास सारा अच्छा वक्त गुजारा है और हम इसके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएँ करते हैं जी। अल्लाह पाक इसको दुनिया और आखिरत दोनों के कामयाबी और कामरानी हासिल जो है अता करें। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू जी। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो भी सीक्वल है और सीरीज का हिस्सा है जो जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर के प्लेटफॉर्म पर अली के हवाले से हमने, मोहम्मद अली ने 7 बैंड स्कोर्स हासिल किए हैं आईएल्स एकेडमिक में फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये बच्चा चिश्तियों से तशरीफ लाया और इसके पेरेंट्स इसको एडमिशन करवाने के लिए आए, बहुत सारे इदारे रस्ते में थे लेकिन इन्होंने इंतखाब किया जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर का, और जो आके यहाँ कामयाबी मिली है वो बेमिसाल है। 7 बैंड स्कोर, 7 बैंड स्कोर ड्रीम बैंड स्कोर्स होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट इन्होंने हासिल किए हैं। आप इन्होंने अपने बाबा के साथ तो बातचीत हमने की, इनके मामू भी तशरीफ लाए हैं, वो भी कुछ बात कहना चाहेंगे, कुछ अपनी बात करना चाहेंगे, तो जरा मामू को दीजिए प्लीज माइक। जी सर, आप कैसा महसूस करते हैं बच्चे की कामयाबी के हवाले से? सर बहुत खुशी हो रही है और माशाल्लाह ये बच्चा हमारा वैसे भी बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है, टैलेंटेड है और बहुत अच्छा बच्चा है और इसने बहुत मेहनत भी की है, अल्लाह पाक ने इसको कामयाबी दी है, हम सब खुश हैं। और आपको इसने कैसे बताया कि मामा मामू मुझे कैसे कितने बैंड मिले हैं? एक्चुअल सर हम इसका भाई था छोटा और ये और एक दोस्त है हमारा भट्टी साहब, हम लोग ना बार वैसे फिर रहे हैं। आप भी आ जाए जी, जो लोग दूसरे भी साथ साथ आए हैं, दोस्त है हमारे, दोस्त है एक भट्टी साहब है। अच्छा जी, और एक भट्टी साहब आ जाओ, आ जाओ भट्टी साहब, आ जाओ, आ जाओ भट्टी साहब, तशरीफ लाइए, आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश भाई, आप भी आ जाओ, आ जाओ एक मिनट के लिए, आ जाओ एक मिनट के लिए, जी जी आ जाए, ये जी भट्टी साहब है हमारे दोस्त हैं जी। अच्छा जी, तो इनको आपने बताया भट्टी साहब को भी दोस्त? एक्चुअली हम चारों इकट्ठे थे, लूडो खेल रहे थे बाहर, ठीक है, ये बार बार चेक कर रहा था अपना, बता रहा था कि अभी नहीं आया रिजल्ट, जैसे ही आया तो ये बहुत खुश था, हम सारे भी तक बहुत खुश हुए हैं। तो आपने क्या भंगड़ा डाला कि लुटियां डाली आपने? भंगड़ा डाला सामने, गले गले मिले हैं और भंगड़ा डाला है सामने। और जी जी, यकीनन किसी भी खुशी का इजहार करने के लिए कोई एक्सप्रेशन चाहिए होता है कि मैं जरा असरा तफन्नुन बात की है, मकसद यही होता है कि सेलिब्रेट करना कामयाबी को। तो जब आप लोगों ने पता चला कि आप बेटे के इतने अच्छे बैंड स्कोर्स आए तो आपने यकीन खुशी का इजहार किया और फिर आपने बेटा घर में मामा को भी बताया, मामा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती फैमिली का, और अल जन्नतु तहतुल अक़दामुल महात,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ماما کو بتایا, ماما بھی یقیناً بڑی خوش ہوئی ہوں گی, بہت دعائیں دی ہوں گی انہوں نے آپ کو. اور ماشاءاللہ آپ ماموں ماما اور ان کے بھائی دوست اور چھوٹے بھیا بھی تشریف لائے ہیں, ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے بھائی کی, اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلیں انشاءاللہ تعالی. وش یو آل دا ویری بیسٹ آف لک, اللہ پاک آپ سب لوگوں کو جو ہے کامیاب کرے, اور علی کا نیکسٹ ویزا پروسیس بھی انشاءاللہ جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کے پلیٹ فارم پہ کریں گے, ان کو کامیاب بھی کریں گے. جیسے آئلٹس میں کامیابی ملی ہے ویسے ہی ویزا ایکوزیشن میں بھی کامیابی ملے گی ان کو انشاءاللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت تمام امتحانوں میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ. آل دا ویری بیسٹ آف لک جی, بہت زبردست مٹھائی اور کیک آپ کو ایک مرتبہ پھر جھلک دکھلا دیں کہ یہ آئی ہے ہمارے پاس, اور یہ شاندار کیک کھانے کو دل چاہے گا آپ کا, اور مٹھائی بھی بہت ہی یمی نظر آتی ہے, اور لیکن کم کھانی ہے آپ لوگوں نے کیونکہ زیادہ مٹھائی اور میٹھا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. سو بہت شکریہ آپ کا, اللہ پاک اس طرح سے آپ کو خوش و خرم رکھے, اور خوشیاں اور کامیابیاں مزید آپ کی زندگی میں لے کر آئے, اور یہ بچے آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنتے رہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی.